और बाकी नहीं है बोलने के लिए और कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया है। अभी सिर्फ प्रोग्राम बनाना है कैसे हमको मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, बीजेपी आरएसएस का गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को हम लोग गंगा में फेंक सकता हूँ, ब्रह्मपुत्र में नर्मदा में फेंक सकता हूँ, इसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए बस इतना ही। मैं दो तीन शब्दों में आसाम का पर्सपेक्टिव, नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव बोलूंगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने एक नया लॉ का अमेंडमेंट लाया है, आप लोग जानते हो ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 सिटीजनशिप एक्ट, इसमें एक सुझाव आने के लिए उस लोग कोशिश कर रहा है। 19 जुलाई 2016 में उस लोग एक अमेंडमेंट लाया है, बोला है कि अब से इलीगल माइग्रेंट, अब से जो सिटीजनशिप का जो बेसिस है ये बेसिस चेंज हो जाएगा, रिलीजन का जो बेसिस है, रिलीजन का बेसिस पे इंडिया में सिटीजनशिप देने के लिए उस लोग ये नया अमेंडमेंट लाया है। बोला है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 इसमें बोला है सेक्शन 2 विजन का एक बात सेक्शन 1 में बोला कि आप से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस तीनों देश से नॉन मुस्लिम लोग इंडिया में आने से उस लोग इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख लोग आने से उस लोग इंडिया में अब तक से उस लोग इलीगल माइग्रेंट विदेशी नहीं होगा, फॉरेनर्स नहीं होगा। तो ये अमेंडमेंट होने से असम तक बांग्लादेश से कम 2 करोड़ बांग्लादेश से हिंदू बांग्लादेशी लोग आ पाएगा, 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेशी लोग असम तक आने से असम का आज तक जो पॉपुलेशन है 3 करोड़ 11 लाख, 3 करोड़ 11 लाख जो जनसंख्या है, 2 करोड़ आने से असम का डेमोग्राफिक पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। और बोलता है कि जो 2 करोड़ लोग आ जाएगा, हिंदू बांग्लादेशी लोग आ जाएगा, बीजेपी आरएसएस के लिए भूतपूर्व बन जाएगा नंबर 1। नंबर 2 उस लोग का जो हिंदू राष्ट्रों का जो धारणा है, ये हिंदू राष्ट्रों का धारणा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए इलेक्शन का गिफ्ट है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए बीजेपी आरएसएस का नया गिफ्ट है कि असम के लिए 2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट को ले आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जानते हो ना कि इंडिया का 12 स्टेट का स्पेशल स्टेटस, नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट है और दूसरा 4 स्टेट है जिसका स्पेशल स्टेटस। जब बीजेपी आ गया है, जब आरएसएस और बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया है 2015 से, ये नॉर्थ ईस्ट और 12 स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था इसको खत्म कर डाला है, 2 करोड़ करके नौकरी देगा। लेकिन कितना दिया अभी लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि बहुत कम, 2 लाख से कम, एक साल में 2 लाख से कम नौकरी आया है। इसीलिए हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो पर्सपेक्टिव है, देख लीजिए, जो विदेशी लाने के लिए, हिंदू बांग्लादेशी लाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। असम का सब लोग 97 ट्राइब्स, असम ने 97 ट्राइब्स है और हर ट्राइब ने बता दिया कि बीजेपी का साथ हम लोग नहीं जाएंगे, बीजेपी का खिलाफ करना है। इसीलिए हम लोग बोलता कि अभी इंडिया में जो माहौल आ गया है, किसान लोग खुशी नहीं है, युवा लोग खुशी नहीं है, महिला खुशी नहीं है, दलित खुशी नहीं है, मुस्लिम खुशी नहीं है, क्रिश्चियन लोग खुशी नहीं है, सिख लोग खुशी नहीं है, सब लोग अभी बेखुश हो गया। इसीलिए हम लोग एक कथा होना पड़ेगा, हम लोग एक कथा होके
उस लोग के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये हम लोग का बात है। इसीलिए सिर्फ इलेक्शन को मत देखिएगा, देख लीजिए एनएसएफ किसका ऊपर लगाया है, एनएसए राहुल गांधी का ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए अरविंद केजरीवाल का साथ ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए ममता बनर्जी का ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए किसका ऊपर लगाया है, एनएसए भीम आर्मी का ऊपर लगाया है, सेडिशन चार्ज किसका बिजनेस मेवानी का ऊपर लगाया है, एनएसए मेरा ऊपर लगाया है। क्योंकि देख लीजिए सारा इंडिया में अभी सब लोग सब सक्षम कर रहे हैं, किसी नहीं है, सब लोग अभी सोच रहा है, जांच रहा है, बताने के लिए मांग कर रहे हैं, वो बंद करने के लिए एनएसए लगा रहा है, एट्रोसिटी चला रहा है, लेकिन हम लोग को बीच में एक कदम होना पड़ेगा। इसीलिए मैं नॉर्थ ईस्ट से बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ बराबर मूवमेंट लगा दिया। किसी ने बताया था इलेक्शन का पहले बताया था कि कभी नॉर्थ ईस्ट में फोड़े बांध नहीं होगा, लेकिन मोदी आके नॉर्थ ईस्ट में फोड़े बांध बनाने के लिए कोशिश किया था, और हम लोग रेजिस्ट करके स्ट्रीट फाइट करके हम लोगों ने किसानों ने ममता बनर्जी का ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का ऊपर नहीं है, हम लोग विघ्नेश मेवानी को, हम लोग कन्हैया कुमार को, हम लोग का जितना मूवमेंट वाला लोग है, सब मूवमेंट वाला लोग एक साथ होके एक नई इंडिया बनाने के लिए, नया इंडिया बनाने के लिए हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। ये मामला इतना ही बोलना है, बस थैंक यू।